कोटा के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मरीज बेड पर तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कुछ समय बाद नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कैथून निवासी एक मरीज को कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसका उपचार चल रहा था और ऐसे में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेड पर तड़पने लगा। इस दौरान बेड के नीचे वो गिर गया, जिसे संभालने के लिए कोई वहां पर नहीं आया। ऐसे में कुछ समय बाद उसे नीचे जमीन पर ही उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने महावीर नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। देख सकते हैं आप वीडियो अपनी टीवी स्क्रीन पर। वीडियो जिसने बनाई यहां पर, उसने भी कोई दरियादली नहीं यहां पर दिखाई। कोरोना वार्ड में भर्ती मरीज की यहां पर मौत। कोटा से हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर फोन लाइन पर फिलहाल मौजूद हैं। योगेंद्र, ये किस प्रकार से हुआ और अस्पताल प्रशासन का क्या इस बारे में कहना है? क्योंकि देखिए, बेड पर हम देख पा रहे हैं साफ वीडियो, तड़प रहा है और उसके बाद नीचे वो मरीज गिर जाता है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हुई है। जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरह का वीडियो कोटा में वायरल हुआ है, ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है और इस व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैथून निवासी ये व्यक्ति है, जिसकी तबीयत ज्यादा खराब थी और डॉक्टरों का कहना है कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, इस वजह से इसका इलाज चल रहा था। लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आया है और जिस इंसान ने ये वीडियो बनाया, वो काफी शर्मसार वीडियो है। इस वीडियो को बनाने की जगह उस अगर मरीज की मदद करता या प्रशासन, अस्पताल प्रशासन को इस बारे में जानकारी देता, तो जाहिर सी बात है उस मरीज की जान को बचाया जा सकता था। तकरीबन ये 2 मिनट का वीडियो है, जिसमें मरीज पहले तो बेड पर तड़प रहा है, उसके बाद अचानक से वो नीचे गिर जाता है और नीचे भी तकरीबन 1 मिनट तक वो तड़पता रहता है और उसकी तड़प तड़प के वहीं पर ही मौत हो जाती है। हालांकि इसमें अस्पताल प्रशासन बाद में उसको देखता भी है, तुरंत पहुंचता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील संवेदनहीनता को ये जरूर जाहिर करता है, जिस तरह की इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें कोटा के लिए भी काफी एक दुखद घटना है। हालांकि जो परिजन है, मृतक के परिजन है, उन्होंने महावीर नगर थाने में शिकायत दी है। अस्पताल प्रशासन की भी इसमें शिकायत मिली है कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। इस घटना की जानकारी के लिए पुलिस ने भी टीम बनाई है और जांच की जा रही है। योगेंद्र, देखिए जिस प्रकार से हम ये पूरा वाकया देख पा रहे हैं, इससे यही प्रतीत होता है कि काफी ज्यादा सीरियस वो थे और उस वजह से नीचे गिरने से उनकी मौत हुई और काफी समय तक वो बेड पर भी तड़पते रहे। परिजनों का क्या कहना है, डॉक्टर्स का क्या कहना है, किस प्रकार से उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी? बिल्कुल मनीषा, डॉक्टरों का कहना है कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम लालचंद बताया जा रहा है और ये मिर्गी का दौरा पड़ता था, इसी वजह से इनका इलाज चल रहा था। और सबसे बड़ी इसमें बात यह आई है कि इनको कोरोना वार्ड में रखा गया था, जहां पर काफी जो मरीज है उनको रखा गया है, जो कोरोना के मरीज है, संदिग्ध हो या दूसरे मरीज हो, उनको रखा गया है। हालांकि जिस समय ये वीडियो बनाया गया है और जिस समय ये घटनाक्रम हुआ, उस समय बताया जा रहा है कि उस वार्ड में 1 या 2 ही पेशेंट थे और ये जिस तरह से तड़प रहे थे, इनकी जो है चिल्लाहट भी निकली थी, लेकिन वहाँ अस्पताल प्रशासन वहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि स्टाफ वहाँ पर मौजूद था और उनको इस घटना के बारे में काफी देर बाद पता लगा, लेकिन तब तक उसकी नीचे गिर चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का भी कहना है कि हमने अस्पताल में भर्ती कराया था और समय समय पर उसका चेकअप भी हो रहा था। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, इंसानियत ने यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं दम तोड़ा है। काफी देर तक मरीज तड़पता रहा और उसके बाद नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक चंद्रशेखर सुशील हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, देखिए इंसानियत यहां पर बिल्कुल शर्मसार हुई है। कोई वार्ड बॉय या अस्पताल का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। बेड पर ये जो इंसान है वो तड़पता रहा, उसके बाद नीचे गिरने से मौत हो गई। हालांकि वीडियो यहां पर बनाई गई, लेकिन कोई उस वक्त मौजूद नहीं था। बिल्कुल आपका कथन बिल्कुल सच्चाई है जो आप बोल रहे हो जी। मुझे भी वीडियो देखकर बड़ा दुख हुआ, जिस तरह से मौत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपसे एक बात बोलूंगा, जो व्यक्ति वीडियो ले रहा था जी, क्या उसके दायित्व नहीं है कि वो नर्सिंग स्टाफ को बुलाए? नर्सिंग स्टाफ वहीं था, वार्ड में नर्सिंग स्टाफ था और जो नर्सिंग स्टेशन होता है वहीं पर वो नर्सिंग स्टाफ बैठता है। 12 बजे नर्सिंग स्टाफ पूरा राउंड लेकर वहां पर बैठा हुआ था जी। और ये व्यक्ति वीडियो बनाने में मशगूल हो गया,
बिल्कुल ये गलत पूरा वीडियो बना दिया उसका, ये 2-4 मिनट का। उसके बाद उसको बुला के लाया, तुरंत मेरा स्टाफ वहाँ पर आया, स्टाफ ने उसको बेड पे लेटाया, डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया, उसको ड्रिप लगाई, जो कुछ करना था सब कुछ किया। खैर अल्टीमेटली उसकी डेथ हुई, ये बात अलग है। और ये बात बहुत फील करने वाली है हम सब लोगों को, बहुत दुख है इस बात का कि डेथ ऐसे नहीं होनी चाहिए। पर मैं अगर वो व्यक्ति जब वीडियो बनाता, वीडियो नहीं बनाता और मेरे ख्याल से स्टाफ को बुला लेता तो हो सकता हमको और कुछ कर पाते उसके लिए। जी चंद्रशेखर जी, अगर उनकी मेडिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से उनका इलाज किया जा रहा था? बहुत ज्यादा सीरियस वो थे तभी नीचे गिरने के बाद ये मौत का जो घटना है वो सामने आई? नहीं नहीं, नीचे तो उसको दौरे आए हैं जी, उसको दौरे आए हैं, फिर से आए हैं उसको जी, कन्वर्जन आए हैं उसको, उसके मुंह से फ्रोथिंग, आप वीडियो में देखो उसको फ्रोथिंग निकल रही है उसके मुंह से, झाग आ रहे हैं उसके, उसमें गिरा है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि ऐसे टाइम पे मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम होता है जी। आप 2-3 मिनट का कोई व्यक्ति अगर पास में खड़ा है अगर उसको अगर जरा सा पकड़ ले तो नहीं गिरेगा वो? और अगर मान लो जो उसको अगर उसको पकड़ लेता और बाद में अगर नर्सिंग स्टाफ वो बुला लेता मेरे ख्याल से उसके लिए कुछ कर सकते थे, पर वो तो वीडियो बनाया उसने तो आराम से, और वीडियो बनाने के बाद में नर्सिंग स्टाफ को बुला के लाया, बाद में फिर हमने सारा उसका ट्रीटमेंट किया, पूरा ट्रीटमेंट उसको दिया है। पेशेंट को बहुत बीमारियां भी काफी सारी थी, उसको एस्मा था, उसको टीबी की बीमारी थी और उसको ये एपिलेप्सी जो सामने नजर आ रही वो थी, इसके कॉम्प्लिकेशन भी उसके बहुत सारे हो रहे थे जी। और इस वजह से नीचे गिरे वो और मिर्गी के दौरे उन्हें आए और उनकी मौत यहाँ पर हुई। चंद्रशेखर जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें वीडियो बनाने वाले की कोई दरियादली यहाँ पर देखने को नहीं मिली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। इंसानियत ने यहाँ पर दम तोड़ दिया। इंसान ये जो तड़प रहा था, वीडियो यहाँ पर बनाई गई लेकिन किसी भी अधिकारी को या किसी भी वार्ड बॉय को वहां पर बुलाया नहीं गया।